अगली खबर अयोध्या से आ रही है, जहां नेता मुलायम सिंह यादव आज नहीं रहे। उनके चाहने वालों और समाजवादी नेताओं को गहरा सदमा लगा है। अयोध्या से दो बार विधायक रह चुके पुराने समाजवादी नेता जयशंकर पांडे बहुत ही भावुक होकर वो दिन याद करते हैं जब मुलायम सिंह यादव उनकी जनसभा में प्रचार करने अयोध्या पहुंचे तो उन्हें हेलीकॉप्टर से कूदना पड़ा। हुआ कुछ यूं था, साल 1993 में यूपी में चुनाव चल रहा था। सपा बसपा पहली बार एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव मैदान में थे। अयोध्या विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी जयशंकर पांडे की जनसभा में प्रचार के लिए नेता मुलायम सिंह यादव को फैजाबाद के गुलाबबाड़ी मैदान पहुंचना था, लेकिन उस दिन बारिश इतनी ज्यादा हुई कि गुलाबबाड़ी मैदान पानी से भर गया और जब नेता मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर गुलाबबाड़ी मैदान के ऊपर मंडराया तो पायलट ने पानी में हेलीकॉप्टर उतारने को लेकर साफ मना कर दिया। लेकिन अपने कार्यकर्ता की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए नेता मुलायम सिंह ने बड़ा खतरा मोल ले लिया। उन्होंने पायलट से कहा कि तुम हेलीकॉप्टर नीचे लो और मैं कूद कर उतर जाऊंगा, जिसके बाद उनकी जिद के चलते पायलट ने हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे लिया, नेता मुलायम सिंह यादव ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर कूद पड़े और अपने प्रत्याशी जयशंकर पांडे के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। ऐसे दमदार बहादुर नेता को खो देने का गम आज हर एक समाजवादी नेता कार्यकर्ता को है। मुलायम सिंह यादव जी का सबसे बड़ा गुण था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध रहते थे। उनका कोई भी कार्यकर्ता अगर दुखी होता था तो समझते थे कि ये दुख उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करते थे। फैजाबाद में दर्जनों लोग हैं जिन्होंने मुलायम सिंह के व्यक्तित्व से चमत्कृत हुए। जब मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो इन्होंने पंचायती राज लागू किया। इन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करके हिंदी लागू किया। पहले मुख्यमंत्री जी लागू होने के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे परिवार के गरीब जात के लोग, छोटी जात के लोग, बड़ी जात के जो गरीब आदमी हैं वो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी बड़े बड़े पदों पर नहीं होते थे। वो प्राइमरी स्कूल के मास्टर से सिपाही तक होते थे। लेकिन जब लोक सेवा आयोग में उन्होंने हिंदी को लागू किया और अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया तो प्रदेश के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके बाद डिप्टी कलेक्टर हुए, डिप्टी एसपी हुए, सेल टैक्स अफसर हुए और बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। इसके लिए हमेशा मुलायम सिंह जी को याद किया जाएगा। मुलायम सिंह अपने कार्यकर्ताओं से इतने जुड़े थे कि मुझे याद है कि मेरा चुनाव था, सपा बसपा गठबंधन हो गया था, गुलाबबाड़ी के मैदान में मीटिंग थी और पानी से भर गया था। उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा कि तुम्हें गुलाबबाड़ी के मैदान में उतरना है। प्रशासन के हाथ पांव फूल आए थे तो उन्होंने कहा कि साहब पानी भरा हुआ हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। तो उन्होंने पायलट से कहा कि तुम अपने हेलीकॉप्टर को नीचे करना, मैं कूद पड़ूंगा लेकिन मैं बोलूंगा ज़रूर। उसने कहा ऐसा हो नहीं पाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप तुमने हेलीकॉप्टर नीचे करना, मैं कूद पड़ूंगा और उसके बाद मैं भाषण करूंगा और जब इशारा होगा तो तुम नीचे आ जाना, मैं कूद के चढ़ जाऊँगा। पायलट जान को जोखिम में डाल करके मुलायम सिंह को नीचे उतारा और कूद गए। और जब भाषण ख़त्म होने वाला था तो उसने बड़ी मजबूरी में गुलाबबाड़ी के कोने में उसने हेलीकॉप्टर किसी तरह से उतारा था और फिर मुलायम सिंह कूद के चढ़ गए। ये मुलायम सिंह यादव की विशेषता थी।